खुशामदीद। SKM 91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। इलेक्ट्रिक शॉक लगने से 2 महीने के दूल्हे की हुई मौत, यह अफसोसनाक वाकया टोली चौकी पर वाक्य न्यू लिमरा पैराडाइज रेस्टोरेंट में पेश आया। आज सुबह नौजवान की इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मौत वाक़ हुई। तफसीलात के मुताबिक टोली चौकी में लिमरा पैराडाइज होटल में आज सुबह 24 साल के नौजवान नौशद खान को बिजली का झटका लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत वाक़ हुई। बताया गया है कि नौशद खान पेशे से लिमरा पैराडाइज रेस्टोरेंट में मजदूरी करते थे। ये उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, जो 2 साल पहले हैदराबाद शहर मुंतकिल होकर लिमरा पैराडाइज होटल में काम कर रहे थे और तालाब कट्टे में मुकीम थे। नौशद खान की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। ये 10 दिन पहले ही अपने काम पर आए थे। 27 मई हफ्ते को रात वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान किचन रूम में अचानक इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जिससे नौशद की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। खबर के साथ ही गोलकुंडा पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर तफसीली दौरा किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। आइए देखते हैं इस खसूस में चंद तफसील हमारे नुमाइंदे जहांगीर की यह खास रिपोर्ट में। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ आ रहे हैं और खास खबर के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। गाड़ी निकल गई तो खुद का खत्म होता।